everyone once again welcome वेलकम बैक टू channel चैनल we वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास chapter चैप्टर टू पॉलिनोमल वी आर गोइंग टू डू इंट्रोडक्शन पार्ट टूडे आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे पॉलिनोमल का और कल से जिसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे स्टे ट्यून फॉर दैट और ये मैं न्यू एनसीआर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ आपको न्यू एनसीआर के अकॉर्डिंग चल रही हूँ एंड इफ यू आर न्यू दिस शेयर प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लेट्स इट फर्स्ट चीज़ जो आती है पॉलिनॉमल में वो आती है हमारी टर्म्स टर्म्स क्या होता है ठीक है ये जो हम जैसे मैंने लिखती हूँ फॉर एग्जांपल टू एक्स ये क्या है हमारी एक टर्म है क्या है ये हमारी एक टर्म है ठीक है टर्म में हमारे क्या क्या इंक्लूड हो रखा है एक ये हो रखा है और एक ही ये ठीक है ये क्या हो जाता है हमारा ये हो जाता हमारा है हमारा नंबर आप बोलोगे इसको कि ये हमारा नंबर है पर किस चीज़ का नंबर है ये एक्स का कोफिशेंट है क्या है एक्स का कोफिशेंट नंबर पार्ट कोफिशंट ठीक है ये जो एक्स का वो टू है वो हमारा क्या है कोफिशंट अब ये जो एक्स है उसको हम क्या बोलेंगे वेरेबल्स उसको हम क्या बोलेंगे वेरेबल्स ठीक है वो हमारा क्या हो जाएगा वेरेबल और ये टू जो एक्स के साथ ज्वाइंट हो रखा है वो हमारा क्या आ जाएगा कोफिशियन बस यही हमारा पॉलिनॉमल है इसी में ही हम पूरे चैप्टर को आगे चलाएंगे समझ में आ रही है फॉर एग्ज़ाम्पल टर्म्स के हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं जैसे कि टू एक्स थ्री एक्स या टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस टू ये भी हमारा एक पॉलीनॉमल है ठीक है ये भी टर्म से मिल के बना है थ्री एक्स थ्री प्लस थ्री तो ये भी हमारे क्या है कुछ पॉलिनॉमल है ठीक है अभी हमने क्या पढ़ा कि टर्म्स क्या होते हैं टर्म्स दो चीज़ों से मिलके बनती है ये हमारा वेरिएबल हो जाता है और उसके साथ जो नंबर जुड़ा हुआ है आगे वो हमारे क्या हो जाता है कोफिशेंट क्या हो जाता है कोफिशेंट ठीक है अब इसके टाइप्स होते हैं तीन टाइप के हमारे क्या होते हैं पॉलिनोमल्स होते हैं अब हम टाइप्स पढ़ते हैं टाइप्स के लिए हम क्या लिखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमल बेस्ड ऑन टर्म्स टर्म्स के बेसिस पे बताऊंगी मैं भी कि कितने के होते हैं ठीक है तीन टाइप के होते हैं जैसे कि फर्स्ट ये क्या होता है सिंगल डिजिट होता है है जो कि एक डिज़ित। सिंगल डिज़ित को हम क्या बोलेंगे ठीक ये हमारे सिंगल डिजिट था इसलिए ये टू एक्स लिखा हमने नेक्स्ट आ जाता है बायोनोमियल बायोनोमियल ठीक है ये क्या हो जाता है हमारा टू एक्स प्लस थ्री ये क्योंकि ये दो टर्म से बना है ये वन टर्म सेकेंड टर्म ठीक है थर्ड आ जाता हमारा ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल में क्या होगा जब बायोनोमियल में टू था तो ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स हो जाएंगी जैसे कि फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री तो ये हमारी क्या होगी ट्राइनोमियल राइट ठीक है तो ये हमारे तीन टाइप के पॉयनोमल्स होते हैं कौन कौन से मोनोनोमियल बायोनोमियल ट्रायोनोमियल ठीक है मोनोनोमियल में क्या आता है हमारा टू एक्स बायोनोमियल में टू एक्स प्लस थ्री एंड ट्रायोनोमियल में फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री ठीक है तो ये हमारे कौन किस चीज़ के बेसिस पे हमने बता दिए ये तीनों टाइप्स वैसे पोलिनल के ये तीन टाइप्स होते हैं और भी होते हैं बट हमने अभी सिर्फ तीन के बारे में पढ़ा है जो कि आपको आपके लिए टेंथ क्लास में इंपॉर्टेंट है ओके okay? गॉट इट लेट्स मूव इट हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमल डिग्री ऑफ पॉलिनोमल क्या होता है पहले हमें पोलिनोमल की डिग्री पता कर लेते हैं कि डिग्री क्या होता है डिग्री वो होती है जो कि हमारी हाईएस्ट पावर होती है क्या होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरेबल वेरेबल पता है ना एक्स ए बी सी डी जो भी अल्फाबेट होती है वो हमारे वेरेबल होते हैं पोलिनोम ठीक है हाइस्ट पावर हाइस्ट पावर क्या होगी जैसे कि पावर जैसे हमारा एक्स है एक्स की टू ये हमारी पावर होगी जैसे वाई की फोर ठीक है एग्ज़ाम्पल हमारे ये सारे हो जाते हैं एक्स की जो टू हमारी ऊपर लगी हुई है ये हमारी क्या होती है डिग्री ये क्या हो जाती है हमारी डिग्री इसको हम बोलते हैं पावर फॉर एग्जाम्पल एक्स फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर इसकी हाइस्ट पावर क्या है जो हाइएस्ट पावर होगी वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी तो इसके हाइएस्ट पावर टू है नहीं क्या है इसकी हाईस्ट पावर फोर तो फोर इसकी क्या हो जाएगी हाइएस्ट पावर इसकी फोर इज द डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ठीक है अब इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं अब हम टाइप्स पढ़ लेते हैं क्या क्या टाइप्स होते हैं तो लिख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री डिग्री के बेसिस पे हम टाइप्स पढ़ेंगे अभी पॉलिनोमियल के ठीक है पहला कौन सा होता है लीनियर फर्स्ट क्या होता है लीनियर सेकेंड होता है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक सेकेंड क्या होता हमारा क्वाड्रेटिक थर्ड होता है हमारा क्यूबिक अब ये क्या क्या चीजें होती है लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक हमने पढ़ लिया है कौन कौन से टाइप के होते हैं ठीक है ठीके? तो अब इनका मतलब क्या है क्या चीज है लीनियर किसके काम आती है लीनियर क्या काम करती है जिसकी पावर सिर्फ वन होगी ठीक है अभी हमें टू लिखा है तो ये मत समझना थ्री एक्स लिखा है तो उसकी पावर कुछ नहीं है नहीं इसकी पावर वन है वन हम लिखते नहीं है मालूम होगा ना वन हम नहीं लिखते हैं ठीक है ठीके? तो इनकी पावर वन है तो वो कौन सी इक्वेशन हो जाएगी जिसकी पावर वन होगी वो हो जाएगी लीनियर इक्वेशन ठीक है सेकेंड आता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल क्या है हमारी जैसे कि फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है स्क्वायर में है टू की टू की पावर में है तो जो भी टू की पावर में होगा वो हमारा क्या होगा क्वाड्रेटिक ठीक है वैसे मूविंग टू द क्यूबिक क्यूबिक होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल फोर एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री तो इसमें जो हमारी हाईएस्ट पावर क्या है वो है हमारी थ्री तो वो क्या हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल ठीक है आई यू गेटिंग माई पॉइंट ठीक है तो वो हो जाएगा हमारा क्यूबिक तो ये तीन टाइप के हमारे होते हैं पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल ठीक है

अगर हमें अगर हमारी हम डिग्री के इसमें बोला गया है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इन पोलिनोमल इज़ इक्वल टू डिग्री डिग्री के बेसिस पे कैसे होता है तो बताती हूँ मैं आपको जैसे एक्स की पावर अभी टू एक्स है तो इसके आपकी जो एक्स की पावर है वो क्या है वन है वन डिग्री है ना वन डिग्री है तो इसका जो x की वैल्यू आएगा टू एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो अपॉन टू एक्स की वैल्यू क्या निकली है? एक ज़ीरो तो यहाँ पे क्या निकला हमारा वन जीरो तो जब भी किसी की किसी भी आ, टर्म की पावर जीरो होती है आ, पावर वन होती है तो हमारा आंसर हमारी जो जीरोज जीरो निकलते हैं वो क्या निकलते हैं एक ही निकलते हैं जैसे एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर एक की जिस जो भी x की वैल्यू अगर स्क्वायर में होगी जो उसकी डिग्री होगी वो टू होगी तो इसके क्या निकलेंगे हमारे दो ज़ीरोज़ निकलेंगे वैसे अगर x की x की पावर या डिग्री जो होगी थ्री होगी तो हमारे कितने निकलेंगे थ्री ज़ीरोज़ निकलेंगे ठीक है अकॉर्डिंग टू डिग्री हमारे जीरोज़ निकलते हैं जैसे यहाँ पे वन था तो वन डिग्री निकला यहाँ पे टू था तो टू ज़ीरोज़ निकले और यहाँ पे थ्री था तो थ्री जीरोज़ निकले समझ गए आप लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे पढ़ते हैं अब आता है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है पॉलिनोमियल का कैसे उसको हम प्रेजेंट करते हैं जैसे कि एक क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स पी एक्स के जीरोज निकालने आपके ठीक है ठीके? और आपको क्वेश्चन ऐसे दिया है और इसमें कोई एक डायग्राम ड्रॉ कराए जैसे ये कर दिया ये कर दिया यहाँ से ऐसे ड्रा डायग्राम ड्रॉ करा हुआ है ठीक है तो आपको ये बताना है कि इसमें पी एक्स के जीरोस क्या है तो पहले मैं आपको बता देती हूँ ये होती है ये वाली लाइन जो हमारी ऊपर से नीचे के लिए जा रही है वो होती है हमारी एक्स वाई एक्सेस और ये होती है जो ल, Uh, जो वर्टिकल जो हॉर्जेंटली होती है वो हमारी एक्स होती है जो वर्टिकली होती है वो हमारी वी होती है ठीक है ये हमारी कौन सी लाइन है वर्टिकली और ये जो हमारी लाइन है वो क्या है हॉरीजेंटल हॉरीजेंटल वाली हमारी एक्स होती है जो वर्टिकल होती है हमारी वाई होती है तो इसको बोलते हैं वाई और इसको बोलते हैं वाई डैश और इसको बोलते हैं एक्स एक्स और इसको बोलते हैं एक्स डैश ठीक है और यहाँ बीच में जो पॉइंट है वो हमारा आ जाता है ज़ीरो क्या आ जाता है ज़ीरो अगर पूछा इन्होंने पी एक्स के आपको जीरोज़ बनाना है तो आपको बताओगे पी एक्स तो मतलब एक्स बताया तो एक्स वाली लाइन पे देखेंगे कितनी बार ये लाइन टच हुई है ठीक है वन एक पॉइंट यहाँ पे हुई है दूसरा सेकेंड थर्ड यहाँ पे बाकी ये जो यहाँ पे भी टच हुई है बट ये वाई एक्सेस पे टच हुई है तो हम जियोग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको वन टू थ्री तो थ्री टाइम्स ये टच हुई है तो हम इसका आंसर लिख देंगे थ्री ठीक है वैसे मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपको बस ये डायग्राम है ठीक है ये दूसरा एग्जाम्पल है अगर आपके पास ये वाला डायग्राम है तो आप बताओ कितना आपके पी एक्स में जीरोज़ हो रहे हैं आप बताओ गेस्ट करके बताओ गैस ने अपना आंसर ढूंढो देखो फर्स्ट यहाँ पे टच हो रही है सेकेंड यहाँ पे टाचो रही है थर्ड यहाँ पे टच हो रही है फोर्थ यहाँ पे फिफ्थ यहाँ पे तो ये हमारे जीरोज़ हो गए फाइव टाइम्स टच कर रही है एक्स एक्सिस को वन टू थ्री फोर फोर फाइव ठीक है तो ये हो जाते हैं हमारे फाइव तो फाइव टाइम्स हमारे जो ये लंबा लाइन है वो टच करी है तो उसको बोल देंगे हम एक्स एक्सिस के जीरो हैं ठीक है फाइव टाइम वैसे अगर वाई एक्सिस का होगा तो वाई पे, पे कुछ बना होगा जैसे ये वाई पे टच कर रहे अगर इन्होंने पूछा होता कि वाई एक्सिस का भी हो तो पी वाई इज इक्वल टू कितना टाइम पी आ, वाई पर टच करा है ओनली वन टाइम तो व, आ, प, पी वाई हमारा क्या हो जाएगा वन तो यही होता है हमारा जियोमेट्रिकली यूजिंग मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पोलिनोमल को कैसे जियोमेट्रिकली प्रेजेंट करते हैं वो हमारा ऐसे मैंने आपको बता दिया है ठीक है लास्ट टॉपिक इसमें आता है हमारा रिलेशनशिप क्या आता है रिलेशनशिप चलो उसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशियंट ऑफ अ पॉलीनोमल रिलेशनशिप बताना है जीरोज़ के बीच में और कोफिशियंट के बीच में एक पॉलिनोमल के जैसे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमारी क्या है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमल है क्वाडिटिकी एल्फा एंड बीटा यह हमारा एल्फा होता है zeros, से दो जीरोज निकालते हैं तो वो हमारे अल्फा बीटा होते है, ये sum, इसका sum होता है और यह सम होता है इक्वल टू माइनस बी माइनस बी मतलब ऑलरेडी रहेगा बी का टर्म ठीक है एक्स का टर्म जो भी आंसर होगा यहाँ पे बी की जगह पे वो लिखेंगे हम और ए ए की जगह पे जो होगा वो लिखेंगे हम यहाँ पे ठीक है तो ये सम हो जाता है ये सम ऑफ जीरोज होता है ठीक है अब प्रोडक्ट पे आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता हमारा, है, alpha, हो है, है हमारा अल्फा इंटू बीटा अल्फा जो हमारे जीरोज निकलते हैं वो अल्फ़ा बीटा हो जाते हैं हमारे और सी हमारा क्या होता है कॉन्स्टेंट टर्म ए होता है हमारा कोफ़िशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर ठीक है तो हम इसको कर लेते हैं मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माई प्लस सेवन एक्स प्लस टेन या आपके पास क्या आ गया एक पोलिनल आपको एक पॉलिनल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन आपको क्या करना है जो ये मिडल टर्म है इसको स्प्लिट करना है क्या करना है जो आपके पास ये मिडल टर्म है उसको स्प्लिट करना है ठीक है स्प्लिट कैसे किया जाता है पहले अगर यहाँ पे कोई नंबर होगा तो आपको ये कॉन्से टर्म से आ, इस एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट से मल्टीप्लाई करना है जहाँ यहाँ पे अभी वन है तो इसलिए हम करेंगे टेन वन जा टेन ठीक है टेन वन क्या होता है टेन अगर यहाँ पे टू होता तो हम क्या लेते हैं टेन टू ज ट्वेंटी ट्वेंटी को लेते हैं ठीक तो है तो टेन के मल्टीपल्स क्या होते हैं मल्टीपल्स देख लेंगे ये रफ वर्क है ठीक है ये रफ़ वर्क है टेन के मल्टीपल्स देखते हैं फाइव वन तो ये फाइव और टू होता है ठीक है क्या होता है फाइव और टू टेन के मल्टीपल हमारे आगे फाइव और टू अब फाइव और टू को आप प्लस करोगे तो सेवन बन सकता है ना फाइव प्लस टू इज इक्वल टू सेवन तो हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इसको इसको टर्म को कर लेंगे फाइव प्लस टू तो फाइव एक्स प्लस टू एक्स प्लस टेन तो ये भी क्या हुआ हमारा स्प्लिट हुआ जो इनके मिडल टर्म्स है वो जो इसका मिडल टर्म है उसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया है दो हिस्से उसके कर लिए अब इन दो हिस्सों को चेक करेंगे हम कि दो हिस्सों में क्या कॉमन आ रहा है तो हमारे यहाँ पे कॉमन आ रहा है एक्स क्या बच गया अंदर एक्स प्लस फाइव राइट और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है ना एक्स तो एक ही जगह है दो नहीं है तो टू हमारा कॉमन आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे टू अंदर क्या बचेगा जाएगा एक्स प्लस फाइव हमेशा याद रखना जो ये और ये टर्म आएगी वो आपकी सेम टू सेम आएगी बिल्कुल भी नहीं हिलेगी ठीक है कभी भी ये अगर गलत आ रहे हैं तो मतलब आपका आंसर गलत है ठीक है तो क्या बन जाएंगे हमारे दो जीरोस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो एक ये बन जाएगा और दूसरा एक्स प्लस फाइव इज ईक्ल टू ज़ीरो ये हमारे क्या बन गए दो जीरोस बन गए अब हम जीरोस कैसे निकालते हैं एक्स इज ईक्ल टू ये उधर लेके जाएंगे तो माइनस टू का तो एक ज़ीरो हमारा माइनस टू निकल गया और दूसरा ज़ीरो हमारा एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव ये दो तो हमारे जीरोस फाइंड हो चुके हैं अब हमें इनका रिलेशनशिप बताना है तो रिलेशनशिप कैसे प्रूव करेंगे जैसे कि ठीक है रिलेशनशिप बताना होगा तो पहले जैसे सम निकालते हैं तो जीरोस क्या होता है हमारा सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी माइनस बी का मतलब होता है कोफिशंट ऑफ कोफिशेंट ऑफ एक्स ठीक है माइनस बी मतलब कोफिशेंट ऑफ एक्स और अपॉन ए होता है तो कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ये हमारे क्या निकल गए ये अल्फा हो जाता है ये हमारा बीटा हो जाता है तो यहाँ पे क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा है ना तो अल्फा हमारा क्या हो जाएगा माइनस टू प्लस का साइन ऐसे रहेगा ये भी हमारा क्या है माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस बी यहाँ पर देख लेंगे हम इक्वेशन पर माइनस ऑलरेडी रहेगा माइनस ऑलरेडी रहेगा और हम बी के टर्म में हम क्या देखेंगे सेवन लिखा है तो हम इसको सेवन लिख लेंगे अपॉन ए की टर्म पे एक ही टर्म में कुछ नहीं है तो हमारा वन आंसर है ठीक है अब क्या करेंगे माइनस टू प्लस माइनस माइनस फाइव तो इन दोनों को करेंगे हम क्या हो जाएगा माइनस सेवन इज इक्वल टू माइनस सेवन क्योंकि वन नीचे होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हमारा क्या आ गया माइनस सेवन ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया प्रूफ हो गया सब में तो प्रूफ हो गया अब प्रोडक्ट पे चेक करते हैं ठीक है प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अब प्रोडक्ट क्या है हमारे अल्फा बीटा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए सी अपॉन ए अब अल्फा हमारा क्या है माइनस टू इन टू बीता है क्या है माइनस फाइव इज ईक्वल टू सी कॉन्स्टेंट टर्म कॉन्स्टेंट अब लास्ट टर्म होती है ठीक है उसको क्या बोलेंगे टेन अपॉन ए ए क्या है, है हमारा वन आगे समझ में माइनस से माइनस कट गया माइनस से हमारा माइनस कट गया टू फाइव सा टेन टेन इज ईक्वल टू टेन यहाँ पे क्या हो गया हमारा हैंड्स प्रूफ ठीक है तो यहाँ ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को अगर हमें रिलेशनशिप बताना होगा तो हम इस तरीके से बताएंगे आगे वाले क्वेश्चंस में हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको और अच्छा आइडिया लगेगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और अगर आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा सा भी पसंद होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय